हेलो गाइस, कैसे हो सारे? उम्मीद का तो सारे लोग बढ़िया हो गए, आगे भी बढ़ा रहे। मैं हूँ आपका होस्ट सम्राट होली के आगे आपके लिए न्यू वीडियो। और आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस बहुत सारे लीक्स और अपडेट के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस, तो सबके क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो भाई लोग, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी गाइस, जो भी चैनल पर नए हो भाई लोग, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो भाई लोग, हम लोग वीडियो को, तो भाई लोग आप लोगों ने तो देख लिया यार, अब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस अपने आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है बैक अनटिल 2020। और गाइस यहां पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है 2020 से। तो आप लोगों को याद होगा गाइस, ये सारे बंडल्स हम लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया करते थे। और भाई ये आलोक उसी टाइम आया था, मतलब आप लोग बोल सकते हो ईवो आलोक, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम लोगों को जो सबसे लास्ट में बंडल आप लोग देख सकते हो गाइस, ये वाला बंडल बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिला था। और भाई लिटरली गाइस बहुत से भी ज्यादा औसम बंडल था। और गाइस यहाँ पे आलोक वाला बंडल भी आप लोग देख ही सकते हो यार, काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है यार मेरे को, देखने में बहुत प्यारा है भाई लोग। उसके साथ साथ यहाँ पे फीमेल बंडल्स को देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 2020 में आया था भाई ये सारे बंडल्स। और भाई ये आप लोगों को बताया ये जा रहा है गाइस कि अपकमिंग दिनों में आपको फ्री में देखने को मिलने वाला है। सिंपली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गाइस यहाँ पे टोकन जमा करने के बदले में ये बंडल्स आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है, ये सारे बंडल्स आप लोग कब तक रिटर्न में चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो यार, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भाई ये सारी चीजें मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसे लगा है। इसके साथ मैं आप लोगों को और भी कुछ एक दो बंडल्स दिखा देना चाहूंगा गाइस, जो कि इसके अंदर आप लोगों को ऐड किया जाने वाला है। मेरे ख्याल से भाई ये लोग सारे के सारे बंडल्स फ्री में देने वाले हैं, और भाई जब ये बंडल्स फ्री में आ जाएंगे यार बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो भाई इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बनी बंडल से रिलेटेड कुछ न्यूज के बारे में। तो भैया बहुत सारे लोग मुझे बनी बंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि यार कब तक आएगा, कैसे आएगा। तो गाइस देख सकते हो बाहर के सर्वर पे ये आ भी चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे एक डेजर्ट ईगल की न्यू स्किन देखने को मिली है गाइस, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। उसके साथ यहाँ पे आप लोग बनी का बैकपैक देख सकते हो लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 पे, जो कि काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक न्यू इवेंट चल रहा है गाइस, जिसमें आप लोगों को सिंपली ओनली लॉग इन करने के बदले में ये वाला बिल्कुल ही फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा गाइस बनी बंडल। और गाइस यहाँ पे बनी बंडल की भाई क्या ही बात, भाई ओपी लग रहा है यार लिटरली गाइस। ये बनी बंडल नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, एकदम खतरनाक बंडल आप लोग बोल सकते हो गाइस। लिटरली गाइस बंडल को देखने के बाद तो भाई सब मजा ही आ जाएगा। इसमें आप लोगों को डबल डैमेज देखने को मिलने वाला है, बनी मास्टरमाइंड इसका नाम होने वाला है। और गाइस ये G36 इसका नाम होने वाला है गाइस गन स्किन का, भाई मेरे को तो काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है इस बनी बंडल से रिलेटेड। इसके साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस इससे आने वाले न्यू बंडल्स के बारे में। एक्चुअली गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक नहीं 3-4 बंडल्स देखने को मिलने वाले हैं साथ में, एंड ग्रीन कलर का भी आएगा और येलो भी आने वाला है। तो भाई टेंशन की कोई जरूरत तो वैसे है नहीं, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। चलो भाई इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आने वाले न्यू यहाँ पे अराइव एनिमेशन के बारे में। एक्चुअली ये नया तो नहीं बोल सकते, ये पहले आ चुका है। तो भैया ये वाला आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है, मेरे ख्याल से काफी बढ़िया लगा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है ये सारे इमोट्स कैसे लग रहे हैं। भाई लिटरली गाइस एकदम खतरनाक सा लुक दिया गया है इसका, और भाई जब ये आ जाएगा ना भाई, आप लोग में से बहुत सारे लोग इसको निकालना चाहोगे, एंड यार लिटरली गाइस ये बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा है। और गाइस यहाँ पे न्यूज ये भी निकल के आ रही है, हो सकता है रात को ही आप लोग को ये देखने को मिल सकता है, लेकिन यार इसके कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए भाई। अगर ये कंफर्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलो भाई इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं गाइस आने वाले यहाँ पे खतरनाक से पैंट्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 पैंट्स आने वाले हैं, जो कि गाइस लेजेंडरी पैंट्स आप लोग बोल सकते हो। बहुत सारे लोग इसके लिए वेट करते रहते हैं भैया कि यार कब आएगा और मैं ये पैंट्स को कैसे ले सकता हूँ। ये गाइस ये एक बंडल होते हैं, और उनमें से गाइस इस पार्ट्स को भाई पैंट कहते हैं। भाई मैं क्या बता रहा हूँ भाई लोगों को यार, मतलब पैंट सबको पता है यार किसको कहते हैं, बट हाँ यार ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है। और भाई यहाँ पे KGF 3 वाला बाल और दाढ़ी भी आने वाला है, लिटरली गाइस एकदम ऑसम वाला लुक देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेरे ख्याल से तो
काफी ज्यादा यूनिक यूनिक चीजें हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है। भाई मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है भाई, सारे के सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई और बात करेंगे यार आने वाले ऐसे ही एक अपडेट के बारे में, क्योंकि यार यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है भाई, सो एक एक करके बता पाना भाई पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस, ये वाला अराइव एनिमेशन के साथ साथ ये वाला बंडल भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इसका नाम आप लोग देख सकते हो गाइस कॉन्टेस्ट करके है, और भाई लिटरली गाइस इस बंडल को भाई मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे को तो एनिमी वाला फील, सॉरी एनिमी नहीं एनिमे, ठीक है एनिमे वाला फील देखने को मिलता है। एनिमी मतलब तो भाई वो बंदा हो जाता है ना यार, समझ ले। अरे मुझे पता है यार आप लोग बहुत होशियार हो, मुझे पता है आप लोग समझ गए होगे, ठीक है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो समझ गए। इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस ईवो बोंजा इवेंट के बारे में, क्योंकि यार बहुत सारे लोग मुझे ईवो गन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे कि भैया ईवो बोंजा कब आएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूंगा कि भैया बहुत जल्द हमारा ईवो बोंजा इवेंट आने वाला है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम गाइस इतना समझ लो कि लगभग एक दो गन छोड़ के बाकी सारी ईवो गन्स रिटर्न में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छा और यूनिक बात है। मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आता है भाई कि यार ऐसी चीजें आए तो भाई मजा आता है, ठीक है। चलो भाई इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ डायमंड्स के बारे में, क्योंकि यार आप लोगों को पता ही होगा अभी लेस देन डायमंड मोर देन डिस्काउंट इवेंट अभी भी कुछ दिन पहले गया है, तो भैया डबल डायमंड टॉप इवेंट आने में थोड़े से चांसेस लग सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि भाई आप लोगों को सबर करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डबल डायमंड टॉप इवेंट देने वाले हैं। तो भाई ये तो काफी ज्यादा अच्छी न्यूज हो चुकी है, और भाई अगला जो टॉप इवेंट होने वाला है वो यही हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है यार भाई, गरीना कभी भी कुछ भी कर सकती है, बाकी खुश तो अभी बहुत ज्यादा है। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस कि फ्री में आप लोगों ने मैजिक क्यूब तो लिया ही था गाइस, 1 अगस्त को यहाँ पे मैजिक क्यूब में अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, ऐसे तो भाई कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ यार गरीना की हिस्ट्री को अगर मद्देनजर रखते हुए हम लोग चलते हैं आगे, तो भैया आप लोगों को कुछ न्यू बंडल्स ऐड होते हुए दिख जाएंगे 1 अगस्त को, या फिर कंफर्म आप लोग मान लो गाइस 4 सितंबर को तो 100% कंफर्म ही है, ठीक है। मतलब ऐसा कर दे यार 5-5 बंडल करके चेंज कर दे तो भाई मजे ही मजे हो जाएंगे। भैया वेट करने में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैजिक क्यूब में कौन से बंडल्स आने वाले हैं। लिटरली गाइस बहुत सारे बंडल्स आप लोगों को अपकमिंग दिनों में देखने को मिल सकते हैं, मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई लोग कि आप लोगों को क्या लगता है इन सारे बंडल्स के लिए, और भाई लिटरली गाइस ये सारे बंडल मुझे बहुत से भी ज्यादा पसंद आते हैं, एंड यार यहाँ पे आप लोग इन सारे बंडल्स को देख ही सकते हो गाइस, लिटरली काफी ज्यादा यूनिक है। और भाई मुझे ये फीमेल वाले बंडल के लिए मत पूछना यार कि ये यूनिक क्या है, मुझे नहीं पूछना, सच्ची बता रहा हूँ यार। आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइस ऐसे ही एक और न्यू इवेंट के बारे में। तो भैया यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि रेयर बंडल हमारे फ्री फायर में ऐड नहीं होता है, मतलब हमारे इंडियन सर्वर में रेयर बंडल को ऐड नहीं किया जाता है मैजिक क्यूब के अंदर, भाई वही टूटा फूटा या सड़ा हुआ बंडल दे देते हैं यार, वो तो भाई दुख होता है यार बहुत ज़्यादा। तो मैं इन लोगों को भाई, आपको पता है गाइस कि मैं जब भी ऐसा कुछ देखता हूँ तो यार मैं सामने से मेल करता हूँ गरीना को, एंड यार लिटरली गाइस उधर से भी मेल का रिप्लाई भी आता है, बहुत बार ऐसा हो चुका है और भाई बंडल्स भी चेंज हुए हैं। तो मैं इसके लिए ही आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या लगता है गाइस आप लोगों को, हम लोगों को कौन सा बंडल रिटर्न में लाना चाहिए मैजिक क्यूब के अंदर। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, अपना फेवरेट बंडल कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा गाइस कि आपके बंडल के लिए, देखो मैं तो भाई आपके लिए ही कोशिश करूंगा ना यार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया हमको कौन सा बंडल रिटर्न में चाहिए। तो आप लोग जो भी बंडल को रिटर्न में चाहते हो ना, फटाफट कमेंट सेक्शन में उसका नाम कमेंट कर दो, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे ना भाई लोग जिस बंडल से रिलेटेड, मैं मेल करूंगा गरीना को उसी बंडल के लिए, और भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हाँ भैया वही बंडल हम लोग को रिटर्न देखने को मिले, ठीक है। तो चलो भाई इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थाला कैरेक्टर के बारे में। एक्चुअली गाइस यहाँ पे बहुत दिनों से यार मतलब कि मान लो आप 1 साल हो गया होगा यार, 1 साल से भाई इस कैरेक्टर के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमारे एमएस धोनी सर का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, कब हमारा यार यहाँ पे थाला कैरेक्टर ऐड हो जाएगा, और कब हम लोग इस कैरेक्टर को लेके खेल पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे छक्का मारने वाला, या फिर आप लोग हेलीकॉप्टर वाले इमोट भी बोल सकते हैं इसको, हेलीकॉप्टर इमोट के लिए कब से वेट कर रहे हैं, ये बाइक की स्किन के लिए कब से वेट कर रहे हैं। तो भाई बहुत जल्द आपका वेट खत्म होने वाला है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्द ऐड होने वाली है। तो भाई लोग आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रैपअप करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना गाइज, और भाई अपना फेवरेट बंडल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लव यू गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।